हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Assalamualaikum members, मेरा नाम अनम उमर है, मैं रेजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ, सर्टिफाइड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं आपको हेपेटाइटिस और गज़ा और उनकी सेहत के मुताबिक बताऊँगी। हेपेटाइटिस जो है वो जुलाई के मंथ में इसको बहुत सारी जगहों पे इसकी अवेयरनेस कैंपस चल रही होती है। ये क्या होता है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, किन वजूहतों पर ये हो जाता है लोगों को, इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, ये सारे डॉक्टर्स बता रहे होते हैं और गज़ा के हिसाब से भी बता रहे होते हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है तो उसको अपनी गज़ा में क्या लेना चाहिए। सबसे पहले हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन या लिवर की जिगर की मसले को हम कहते हैं, जहाँ पे जिसकी वजह से सिर्फ एक जिगर नहीं बल्कि इंसानी जिस्म के दूसरे अज़ा भी जो है वो मुख्तसर होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं। तो उसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारी बॉडी में जो खाना हम खा रहे होते हैं, लिवर जो जिगर होता है, जो खाना हम खा रहे होते हैं उसको अब्जॉर्व करता है और उसके बाद वो सर्टन उसको जो है वो पास आउट करता है। उसका ये प्रोसेस होता है। जब वो डैमेज हो जाता है, उस पर बैक्टीरियल या इन्फेक्शन वायरस जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अच्छा, इसकी कॉजेज होती हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी डी और ई भी होता है। अच्छा, हेपेटाइटिस ए जो होता है, अगर इनका मैं ये बता दूं कि कुछ लोग अगर ड्रग्स में हैं, कुछ ड्रग्स इस तरह की ले रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो भी उनको लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो है वो अगर उनका लिवर डैमेज हो रहा है किसी और सर्टन डिसऑर्डर की वजह से, तो भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हैं, कुछ डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, वो भी कभी कभार हेपेटाइटिस सी के शिकार हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो क्रॉनिक लेवल पर आता है। सबसे पहले मैं बताऊं, हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है या HAV हम उसे कहते हैं, ये क्या होता है? ये नॉर्मली जो हेपेटाइटिस होता है ये आपको इन्फेक्टेड वाटर से, कंटेमिनेटेड वाटर या गंदी जगहें, गंदा खाना, गंदा पानी पीने से जो बैक्टीरिया होता है वो आपके जिस्म में चला जाता है, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम होती है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये अमूमन अगर प्रेगनेंसी में औरतों को होता है तो ये ट्रांसमिटेड होता है। ये न्यूबॉर्न बेबीज़ को, यानी कि उनके बच्चे जब पैदा होता है तो उनको हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, इनकी वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी जो होता है ये मोस्टली इन्फेक्टेड ब्लड है, या आप कहीं पे अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए गए हैं, जगह सही तरीके से उसकी ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रही ब्लड की, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। नॉर्मली हेपेटाइटिस सी जो होता है वो क्रॉनिक पे हम रखते हैं उसको, और इसकी अगर ट्रीटमेंट होती है तो जो लिवर टिश्यूज की स्कारिंग होती है वो हम डॉक्टर्स करते हैं। हेपेटाइटिस डी भी जो होता है वो भी सेकेंडरी इन्फेक्शन, जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है उन्हें अमूमन हेपेटाइटिस डी हो जाता है। और ये प्रिवेंटेबल है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन से इसको डॉक्टर्स ट्रीट कर देते हैं। हेपेटाइटिस ई भी जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से ट्रांसफर हो जाता है। तो इनकी वैक्सीनेशंस होती हैं जिससे इनको प्रिवेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट होती है, डॉक्टर मेडिकेशंस देते हैं, फर्दर डॉक्टर्स इसकी गाइडलाइंस आपको देंगे। मैं आपको इसकी गजायत के हिसाब से बता देती हूँ। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप आराम करें, बहुत सारा पानी पिएं ताकि इसकी जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाएं यूरिन के थ्रू, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स में आप देख सकते हैं कि पेशाब का बहुत ज़्यादा गाढ़ा आना, खून की तरह लाल हो जाना है, डार्क कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम उससे कहते हैं, या माइल्ड टू मॉडरेट आपको जो है वो पेट में दर्द की शिकायत हो रही है। इसके अलावा आपको हो सकता है कि आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका बहुत कॉमन साइंस और सिम्टम्स है कि भूख नहीं लगती, भूख का मर जाना जिसको हम कहते हैं, या कमजोरी सा महसूस करना, अनएक्सप्लेन वेट लूज होता है, बुखार बहुत माइल्ड से बुखार है, जॉन्डिस की तरह आपकी स्किन येल हो जाती है, आइज येल हो जाती है। तो ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स में। डायटरी गाइडलाइंस पे ये है कि हम इसकी रिकमेंडेशन करते हैं कि आपने हाई कैलोरीज, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट को आपने फॉलो करना पड़ता है। 2 से 3 घंटे में आप अपना खाना की पोर्शंस रखें, पोर्शंस के साइज को कंट्रोल करें, जहाँ 3 बड़े मील क्योंकि इंसान नहीं खा सकता है, तो ये लिक्विड से सॉफ्ट डाइट, और समटाइम्स कुछ पेशेंट्स लिक्विड में रहते हैं फिर सॉफ्ट में आते हैं फिर रेगुलर डाइट पे आते हैं, तो इसकी डाइट मॉडिफिकेशंस बनाती हैं जो हम गज़ायत के डॉक्टर्स हैं, हम ये काम करते हैं कि हम इनकी डाइट मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर कैलोरीज करते हैं, जो कि इनकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट 1,000 to 600, 1,000 to 800 तक की बेस्ड करती है अकॉर्डिंग टू द BMI वो हम बनाते हैं।
खिचड़ी आप यूज़ कर सकते हैं, दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों का सूप इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बाजरे और जौ की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक थोड़ा बढ़ा दें, लेकिन धो के साफ सुथरा करके उसको, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो लिवर होता है इंसान का वो इन्फेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ द वायरस, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड होता है फूड गलत लेने से, बासी खाने से, कुछ ऐसी जगहों से जहाँ पे कोई वायरस होगा तो उसकी वजह से ये आपको लिवर में इन्फेक्टेड हो जाता है। प्लेंटी ऑफ गुड इनफ गुड जो है वो हमें प्रोटीन लेनी पड़ती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इसलिए कहा जाता है कि अपनी डाइट पे रखें क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, वो ऐसे उसकी जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, उनकी जो गज़ाइयात मौजूद है, वो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपकी लिवर में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको हेल्पफुल करते हैं, उसके एंजाइम्स उसको हेल्पफुल करते हैं कि आपकी लिवर जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हो। आप अपने जो है डाइट पे जब आप माइल्ड टू मॉडरेट की तरफ जा रहे होते हैं, बेहतर हो रहे होते हैं, तो आप अपने नट्स, ऑलिव ऑयल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेसेस ऑफ सॉल्ट का हम इसलिए मना करते हैं डाइट में क्योंकि वाटर रिटेंशन हो सकती है बॉडी में। एक्सेसेस ऑफ शुगर का भी हम मना करते हैं क्योंकि लिवर जो है वो फिर उसको लोड पड़ेगा। वो जिस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट पे वो आप इस्तेमाल करें चावलों का, ब्राउन राइस से तो बेहतर है, नहीं तो आप बाजरे की जो कि रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग दाल, मसूर दाल, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, मौसमी का है, लेमन का है, स्ट्रॉबेरीज का है, पाइनएप्पल है, पपाया है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। दूध में आप लो फैट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, लो फैट योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का इस्तेमाल कीजिए, मुर्गी का इस्तेमाल कीजिए, मटन और बीफ से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि उनके अंदर फैट ज़्यादा मौजूद होते हैं। ऑयल आप जो है वो तकरीबन एक टेबल स्पून के बराबर इस्तेमाल करें दिन में, शुगर 2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं, और ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए अदर बेवरेजेस में जिसमें आप चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं। हेपेटाइटिस क्योर हो सकता है अगर उसकी ट्रीटमेंट हो और अगर उसकी डाइट को आप फोकस करें। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।